नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका नवीन एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज हम आए हैं प्याज के भंडारण पे। ये हमारा प्राइवेट प्याज का भंडारण है। इसमें तकरीबन हमारा अंदाज़ा है कि ये 400-500 कट्टे जो प्याज के हमारे पास अवेलेबल हैं उसका हम भंडारण कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो, सामने आपके पास प्याज रखा हुआ है। ये तकरीबन अपना 150 कट्टे इसमें आ चुके हैं और अभी आना बाकी। इसको जो आप देख रहे हैं, जो पॉलीथीन लगाई हुई है, इसके बराबर हम प्याज भरेंगे। अब इसको हम कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। एक जो मैनेजमेंट आप देखिए, बहुत ही शानदार मैनेजमेंट किया गया है। बिल्कुल ये लोकल अपना चद्दर वाला घर है, कच्चा घर है। साथ ही साथ इसकी दीवार पे है पे पॉलीथीन लगी हुई है, एक लोकल जो आप किसी भी मार्केट से खरीद सकते हैं, सिंपल सी, जो आपको अच्छे सस्ते रेट में मिल जाएगी। यह एक्चुअली इसको लगाने का कारण है कि जो नमी, जो ठंड में, जो बारिश में जो नमी रहती है सीध, उसको रोकने के लिए इसको लगाया गया है। इसके अलावा इसका कोई बेनिफिट नहीं है। मेन बेनिफिट इसका यही है। साथ ही साथ हमने इधर जो हमारा पॉलीथीन ख़त्म हो गई थी, घर की लोकल पॉलीथीन है जो अपने चने के कट्टों के अंदर लगाए जाते हैं। चने के कट्टे हम भरते हैं ठेले, उसके अंदर जो पॉलीथीन लगी रहती है वो हमने इसके आइट साइड बिछाई है। सेकेंड, हमने जो ये जाली है 1 mm की, ये लेके आए हुए हैं। ये मजबूत है, बिल्कुल हैवी, जिससे क्या है कि चूहे जो हैं वो इसके अंदर नहीं आ सके। फर्स्ट बेनिफिट इसका ये है। सेकंड बेनिफिट ये है कि जो नीचे की जो गैस है उसको हम पंखे द्वारा बाहर निकाल रहे हैं, नीचे की जो हवा है इसके साथ, पंखे के साथ बाहर आ जाती है। इसमें जो हमने जुगाड़ किया है बहुत ही शानदार किया, आप देख सकते हैं। ईंटों का प्रयोग नहीं किया है इसमें, लकड़ी का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल पूरे में लकड़ी का प्रयोग किया गया है, ये आप देख सकते हैं लकड़ी। साथ ही साथ जो साइड में कोना है इसको हमने पूरे लकड़ी से पिक किया है, अंदर कट्टों का इस्तेमाल किया है कि जो बाहरी हवा है वो अंदर नहीं आ सके। आप देख सकते हैं जो फर्श है वो भी कच्चा है, मुरम डली हुई है। ये मुरम हमने अभी 4-5 दिन पहले बिछाई थी। और जो एक गड्ढा आता है, ये अपना जो जाली है 1 mm की, इसका एक गड्ढा आता है, वो इसमें पूर्ति हो चुकी है। और उसके साथ ही साथ थोड़ा सा बच भी गया है, साइड में रखा हुआ है। और ये देखिएगा कितना शानदार हमने मैनेजमेंट किया है। आप एक बार, लोकल मैनेजमेंट है, इसको आप भी ट्राई करके देखिएगा। ये चद्दर का इस्तेमाल साइड में किया गया है, यहाँ पर जो कोना है यहाँ पर कट्टे रख के इसको यहाँ तक पूरा पिक किया जाएगा। मैं इसका एक फ़ोटो आपको लास्ट में भी शॉर्ट वीडियो बना के दूँगा कि इसको किस तरह हमने पिक किया हुआ है। देखिएगा चद्दर का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर एक चद्दर और इसके ऊपर एक और चद्दर आएगी, सेकेंड चद्दर ये साइड में रखी हुई है। यहाँ पर मजबूती दी हुई है क्योंकि जो अपना प्याज है इसको मजबूती देना बहुत ही ज़रूरी है। यदि मजबूती हम नहीं देंगे तो यदि ये जो लकड़ी हमने गाड़ी गई है, खंभे जो लगा हुए हैं, ये यदि गिर जाते हैं तो बहुत ही तकलीफ़ हो जाएगी। और इसको मिनिमम अपना अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि प्याज को कब तक भंडारण करना है। आप इसको 4 महीने में भी अच्छा रेट मिल जाए तो निकाल सकते हैं, 5 महीने में भी निकाल सकते हैं, 2 महीने में भी निकाल सकते हैं। इसलिए हम इसको 6-7 महीने के मैनेजमेंट के हिसाब से लेके चल रहे हैं कि अपने को 6-7 महीने इसको रखना है। इसलिए इसके साथ साथ हमने इसमें मजबूती भी बहुत ही शानदार दी है। अब सेकंड बात करें कि पंखे जो हमने लगा हुआ है मोटर के साथ में, इसमें क्या क्या, कौन सी मोटर लगाई है और उसके साथ ही साथ जो है कि कितने का इसका रेट है, क्या मैनेजमेंट है। एक तो हमने बल्ब लगाया हुआ है, एक बल्ब से अधिक बल्ब लगाने की आवश्यकता नहीं है। बल्ब गर्मी करता है और प्याज गर्मी से ख़राब नहीं होता है। बल्ब लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। किसान भाई सोचते हैं कि बल्ब लगाने से प्याज ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी आप घबराए मत, प्याज बल्ब से कभी भी ख़राब नहीं होगा। प्याज एक्चुअली ख़राब होता है तो आपकी सीध गर्मी से ख़राब होता है। जो बारिश में गर्मी होती है उसके बाद में जो पानी गिरता है, जो ठंड आती है, तो उससे क्या होता है कि सीध गर्मी की वजह से प्याज ख़राब होता है। अब हम बात करें कि इसमें कौन सी मोटर का उपयोग किया गया है, तो इसमें आपको मैं दिखाता हूं, आप देखिएगा, क्रोमप्लॉन गेरो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सिंपल सी मोटर है, मुंबई की है, मुंबई में इसका ऑफिस है, मेड इन इंडिया की मोटर है। एक्चुअली हमको 43,000 रुपये में पड़ी है। आप देखिएगा इसका जो पंखा है वो एक्चुअली लगा दिया है, तो उसको आपको क्लियर नहीं दिखा पा रहा। अब ये पंखा जो है इसको बिल्कुल पैक कर दिया गया है, आप देखिएगा, ये बिल्कुल इसको एक हेवी तार लिया गया है। तार क्या है कि हेवी लेना है आपको, कोई सा भी आप तार ले रहे हो, केबल वाला तार लेना है, लोकल तार नहीं लेना है, यदि दिक्कत आती है क्योंकि वो अंदर से जल जाता है। ये हेवी मोटर है, इसके साथ साथ आप देखिएगा, अभी इसको यहाँ तक पूरा पैक करना है जाली को,
से ये पूरा पैक कर दिया गया है, अभी तो और कट्टे लाना बाकी है। ये एक्चुअली 6 से 7 आइटम जोड़कर मिला हुआ फ़ैन है। इसमें जो है ये स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं ये फ्रेम है, ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रेम है। उसके बाद में इसमें जो बोल्ट लगे हुए हैं, ये बोल्ट लगे हुए सेकंड में, थर्ड में इसमें रबर से क्या है कि एक हेवीनेस हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली इसकी जो वारंटी है ये कम से कम 5 साल की वारंटी है। इसकी 5 साल की वारंटी कंपनी द्वारा दी गई हुई है हमें। और इम्पेलर जो आप देख रहे हैं, ये जो घूम रहा है फैन, ये इम्पेलर है, जो गोल गोल घूम रहा है ये इम्पेलर है। ये भी एक्चुअली लोहे का बना हुआ है, प्लास्टिक का नहीं है। उसके साथ में यहाँ पर है स्प्लिट पिन, जो इसको गोल गोल जो आप अंदर देख रहे हैं, ये अपना पीले कलर की जो पीले नहीं है अपना हरे कलर की नीले कलर की जो दिख रही है पिन गोल गोल घूम रही है, ये स्प्लिट पिन है। इसके साथ में इसमें आर्म लगा हुआ है, ये अपना जो फैन है ये इम्पेलर, इसके आगे एक आर्म लगा हुआ है। साथ ही मेटल क्लेम भी है इसमें, ये मेटल क्लेम है, ये आप देख रहे हैं ये मेटल क्लेम है। और मेटल क्लेम के बाद में वॉशर लगा हुआ है, इसमें जो बीच में आप देख रहे हैं वहाँ पे वॉशर लगा हुआ है। और साथ में नट भी है इसमें आई साइड में जो देख रहे हैं, और ये मोटर है लास्ट में जो आप देख रहे हैं, ये मोटर है। इसको बिल्कुल तार के साथ में एक यहाँ पर कट दिया गया हुआ है, और ये एक बल्ब का कट तो अंदर से लगा हुआ है, और साथ ही साथ जो मोटर का एक कट हमने ये जो मेन तार है उसमें से ही दिया गया हुआ है। किसान भाइयों कैसा लगा आपको मैनेजमेंट, एक बार आप देखिएगा पूरा ग्रो करके। बहुत ही शानदार लोकल मैनेजमेंट है, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आया हुआ है। इसमें आप यदि अंदाज़ा लगाते हैं तो जो 4300 की दो मोटरें हैं तो अपना 8,000-8,500 का खर्चा, तो 8,600 रुपये का खर्चा तो ये हुआ मोटर का। उसके साथ में जो जाली लाए हैं 1 mm की, ये गड्ढा, ये अपना 1,000 रुपये की ये पड़ी हुई है। तो कुल मिला के अपना जो टोटल मोटर और जाली का ही खर्चा लगा हुआ है। उसके साथ में बाकी सब 10,000 का टोटल इसमें खर्चा हुआ है, बाकी सब जुगाड़ का तदबा लगा हुआ है, सब जुगाड़ टोटल। ये पॉलीथीन भी घर की है, जो हम अपना गरी जो आती है सोयाबीन की उसमें ढकते हैं, ये उसको हमने साइड में लगा हुआ है। उसके साथ साथ जो ये लकड़ी है ये भी हमारा अपना रखे हुए हैं, अपना पेड़ों से काटे हुए हैं, बांस हमने घर पे लगा हुआ है उसमें से निकाले हुए हैं। और जो ये साइड में जो पॉलीथीन है इसको अपने जो हम एक बार लाए थे यूज़ करने के लिए अपने चने के लिए, उसमें अंदर लगाई थी तो उसका यूज़ हो चुका है। तो जो अनयूज चीज़ है उसको हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। बहुत ही शानदार मैनेजमेंट किया। कीलों का पैसा लगा है, जो कील हम लेके आए हैं, कील बाज़ार से 10-20 रुपए की कील आई होगी। इसके साथ हमारा जो भी है अपना ये चद्दर जो है, ये पुरानी हमारी जो पशुपालन हम करते हैं उसकी लगी हुई है। बहुत ही शानदार हमने मैनेजमेंट किया है, आप देखिएगा। तो किसान भाइयों कैसा लगा ये हमारा मैनेजमेंट प्याज रखने का, भंडारण का, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको इस प्रकार का कुछ मैनेजमेंट करना है या मोटर की कुछ और जानकारी लेनी है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट्स कीजिएगा। और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, और जो नए किसान भाई हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय जवान जय किसान।